हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई आज है 2 मार्च और आज मैं जा रहा हूँ इंदौर। और अभी मॉर्निंग में मैं अपनी वाइफ को छोड़ने जा रहा हूँ उसके ऑफिस, फिर मैं गाड़ी लेके वापस फ्लैट पे आऊँगा, फिर यहाँ से रेडी होके गाड़ी अपनी वाइफ को हैंडओवर करके फिर मैं निकलूँगा सीधा इंदौर के लिए। तो हमारी ट्रेन है 1:30 बजे निजामुद्दीन से। अभी हम निकले अपने घर से ऑफिस के लिए। ये हमारी धर्मपत्नी ऑफिस जा रही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो भाई अभी मैं आ चुका अपने घर के लिफ्ट में और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर और मेरे को बहुत जल्दी जल्दी होना है रेडी, फिर यहाँ से निकलना है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा सीधा यहाँ से रेडी होने के बाद। तो भाई अभी मैं हो चुका हूँ रेडी और अपना बैग लेके मैं अभी निकल रहा हूँ ऑफिस। ऑफिस से फिर मेरी वाइफ मेरे को मेट्रो ड्रॉप करेगी, देन मैं जाऊँगा ट्रेन पे। बताते हैं आपको। तो मैंने अभी कुछ ज़्यादा आउटफिट डाली है ना, खाली लोअर डाला है एंड एक ये हुडी डाली है बस, ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ, ज़्यादा टाइट ना हो। तो इस वजह से अभी निकलते, बाकी आपसे मिलते हैं ऑफिस में। भाई अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। हमारी वाइफ ने हमें कर दिया मेट्रो ड्रॉप, तो बाकी नेक्स्ट अपडेट देंगे हम आपको जाके स्टेशन पे। चलो जी बाय बाय। ये आ गया भैया हमारा प्राणी, दूसरे प्राणी आ गए हैं। आइए आइए, आपका इंतजार था, आइए आइए। तो भाई अभी हमारी जर्नी हो गई है स्टार्ट। अभी हम हो गए हैं निजामुद्दीन से, हम डिस्पैच हो गए हैं। ये भाई साहब आ गए हैं, थोड़ा लेट थे, गाड़ी चल पड़ी थी तो तभी आए हैं। बड़ी मुश्किल से काफ़ी लंबी जर्नी है, कल सुबह पहुंचेंगे हम 4 बजे। तो बने रहिए साथ व्लॉग में, बताते हैं क्या क्या होता है जर्नी में। तो भाई आलू के पराठे और न्योनी घी का कहते हैं यहाँ को, न्योनी घी है वो। हाँ न्योनी घी और आलू के पराठे। भाई हम पहले खाना खाएंगे, बाकी आगे देंगे अपडेट। तुमने तो खा चुका, तुम क्यों खा रहे हो? तुम क्यों खा रहे हो? सकूं ना, फिर ये कहेगा साथ ना दिया। मुझे ना चाहिए ऐसा साथ। तो खा लो, बहुत ये होते हैं सर्दियों के मजे। लग रही है सर्दी पर हमें खानी है आइसक्रीम। भाई साहब ने मंगवाई है आइसक्रीम, वो भी बटर स्कॉच। कह रहे हैं हमारे लिए आइसक्रीम लेके आओ। कैसा स्वाद आ रहा है आपको आइसक्रीम? मजा आ रहा है ठंड में, ठंड का। चलो खाते पीते रहिए, बने रहिए ब्लॉग। भाई अभी आया है हमारा खाना, हम पहुंचे ग्वालियर और ये है उत्तर रेलवे का खाना। ये 150 रुपये की थाली है। इसमें थाली में इन्होंने जो है बोला है कि भाई आपको 4 रोटी दी जाएंगी। रोटी के नाम पे देखे रेक्टेंगल दे रहे हैं, 4 नहीं बल्कि 3 ही रोटी है। रोटी भी नहीं, मतलब एक टुक है अगर कोई अच्छे से खाए तो। और मीठे के नाम पे सबसे सस्ती मिठाई पेठा, और रोटी भी काफी कच्ची है। ये देखो इधर से बिल्कुल कच्ची है रोटी। भाई खोल कर देख ले तो मम्मा 300 रुपये दे दिए। अब ये खाना है भैया उत्तर रेलवे का। कभी उत्तर रेलवे की सारी सुविधाएं सही हो सकती है पर खाने की क्वालिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती भाई, ना हो पाएगी। पकड़ा को भाई बहुत ही बेकार क्वालिटी है उत्तर रेलवे की। खाने में कोई स्वाद नहीं है, बस एकदम उत्तर रेलवे इंडियन रेलवे यार एक ही है जो भी है, बहुत ही बेकार है। सुधार ना पायो। मोदी तो सही है, मोदी थोड़ी बना रहा खाना है। देखना चाहिए आगे बैठ के। हाँ मोदी देखेगा यहाँ बैठ के। मोदी जिस दिन आ गया उस दिन तो ये खाना बढ़िया देंगे। मोदी को बेकार बोलने वाले बेकार है भाई। हम मोदी के सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये है दाल, पता नहीं दाल कौन सी है। और ये क्या है? ये आलू है, आलू मटर। और ये और पूरी शाही पनीर की कटोरी में एक पीस है भी ना, अब वो भी है भी ना एक पीस है भी ना भाई, बहुत बेकार क्वालिटी है, बहुत ज्यादा। खाना कैसा लगा आपको? भाई मेरी तरफ से अगर रिव्यू दिए जाए तो 10 में से मैं तो ना दूं 0, नेगेटिव। बेकार था ना खाना, बहुत बेकार था कसम से। पहली बार मैंने थाली में खाना छोड़ा है भाई लाइफ में। थाली में खाना छोड़ने वाली बात नहीं, हमने पहली बार खाया है उत्तर रेलवे का खाना। अगर हमें ये पता होता कि इस तरह का खाना रहेगा ना तो घर से लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो तो आराम छोड़ लेंगे, नहीं तो फिर कुछ जोमेटो से ऑर्डर करते किसी स्टेशन। बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार रिव्यू है। तो कहा कर रहा हूँ मैं, तो कहीं भी कहा दे रहा हूँ तो इन्होंने तो एक एक उसमें लिखो पैसे टूब की, एक एक टूब की रोटी है तो हाँ, और चावल देगा थोड़े से, वो तो पराम ठो और लियोनी बचरी दोपहर की जाते पेट से भरो कछो। उत्तर रेलवे के खाने की तारीफ होती हुई इंडियन रेलवे की। और कुछ बताइए योगेश? कहाँ गए बड़ो? तो भाई अभी रात के बज चुके हैं, 9 बज गए अभी रात के, और अभी सोने का समय हो गया, अभी सोते हैं। सुबह 5 बजे पहुंचेगी ना ट्रेन? हाँ, तो सुबह 5 बजे पहुंचेगी ट्रेन। बाकी सुबह मिलता है हमसे 5 बजे, अपडेट देते हैं आपको कैसा मौसम है इंदौर में, कैसा नहीं। चलिए, और बीच में कुछ होता है आँखें खुलती है तो बताते हैं आपको। टिल देन बाय, गुड नाइट। तो भाई अभी बजे हुए हैं 11:15 रात के, और हम रास्ते में उतरे हैं नीचे। गाड़ी बहुत देर से खड़ी है यहाँ पे। गुना का है, 10 मिनट तक है। गुना नामक स्टेशन है, और ये प्राणी अकेले अकेले सेल्फी लिए जा रहा है बिना किसी को बताए। पूरा मस्त मजे हो रहे हैं इसके। भाई मैं फोटो देता हूँ खींचने के लिए फ़ोन अपना, तो मेरे फ़ोन में बहुत बेकार फ़ोटो लेता, और अपनी फ़ोटो एकदम बढ़िया बढ़िया। तो भाई अभी 4 बज चुके हैं, उज्जैन पहुंच गए हम। अब उज्जैन से हमारी दूसरी ट्रेन है, वो हमें पहुंचाएगी इंदौर। और आंखें हो चुकी है पूरी लाल, क्योंकि ट्रेन में अच्छे से नींद नहीं आई, बिकॉज रास्ते में खराटे लेने वाले लोग बहुत थे। एक उनमें सबसे बड़े यही थे, पूरे ट्रेन जैसे ट्रेन चलती है वैसे इनके खराटे चल रहे थे, तो नींद नहीं आ पाई भाई अच्छे से। आगे भी दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। मिलता है इंदौर जाके अब। कैसा लगा पोहा आपको? सही है, मीठा, खट्टा मीठा है ना, खट्टा मीठा स्वाद है भाई पोहे का। अच्छा है काफ़ी, मीन्स चिली भी है, नमक भी है, और गुलाब जामुन भी है, सभी टेस्ट है इसमें। हाँ बिल्कुल। इंदौरी चाय कैसा टेस्ट है, जरा सिप मार के बताएं। ठीक है, नॉर्मल। दूध पानी की है ना? हाँ, दूध पानी की। तो भाई नाश्ता हो गया, पोहा खा लिया हमने इंदौर का, और अभी हम जा रहे हैं वापस। वहाँ से रेडी होके हम जाएंगे अपना काम करने, फिर काम ख़त्म करके शाम को जल्दी रेडी हो जाएंगे। फिर शाम का हमारा कहाँ का प्लान है? उज्जैन ना? उज्जैन। तो वहाँ जाएंगे महाकाल के दर्शन करने, दिखाता है आपको महाकाल का दर्शन। और बने रहना ब्लॉग में हमारे साथ, मिलते हैं, बाय। तो भाई अभी यहाँ की कहा कचौड़ी है ना, कचौड़ी कचौड़ी पुथल कचौड़ी, कौन सी पुथल पुथल कचौड़ी है करके, तो ये खा के देखते हैं, टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसी लगती है पुथल कचौड़ी। बहुत फेमस है सुनने में इंदौर की। बाकी हमारी जलेबी भी आ रही है रेडी होके, जलेबी भी खाएंगे। यहाँ नाश्ते में यही चीज़ें मिलती हैं। भाई जलेबी का टेस्ट एक नंबर, देसी घी में बनी हुई है। टेस्ट कैसा टेस्ट है? एक नंबर, देसी घी में बनी हुई है, बढ़िया जलेबी, मतलब फुल पैसा वसूल है भाई कसम से। इंदौर ने दिल जीत लिया जलेबी के मामले में। तो भाई मैंने अभी सिर्फ एक पार्ट डाला है इंदौर का, और बाकी अभी दो पार्ट और हैं। एक पहला है, इसके बाद उज्जैन की जो जर्नी हमारी, और तीसरे दिन हम इंदौर में हमने क्या क्या किया, क्या क्या जगह देखी इंदौर में, तो मैं डालने वाला हूँ। बने रहना व्लॉग में, मिस मत करना कोई भी पार्ट, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो बने रहो व्लॉग में, बहुत मज़ा आएगा।